सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के नए भवन का शिलान्यास किया। 462 बेड वाले नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई लोग मौजूद रहे। शिलान्यास के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि पीएमसीएच के नए भवन पर एयर एम्बुलेंस को उतारने के लिए हेलीपैड का भी निर्माण कराया जाएगा। बता दें कि पटना में 5,540 करोड़ रुपए की लागत से यह वर्ल्ड क्लास अस्पताल बन रहा है, जिसमें इमरजेंसी भवन के ऊपर हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। इस अस्पताल में 500 बेड वाला आईसीयू भी बनाया जाएगा, साथ ही टेलीमेडिसिन की भी व्यवस्था होगी। लगभग 5,500 करोड़ की लागत से बन रहे इस अस्पताल के निर्माण में 7 साल का समय लगेगा। सीएच के नए कैंपस में अस्पताल के फैकल्टी और कर्मचारियों के लिए आवास की भी व्यवस्था होगी। इनके लिए 644 आवास बनाए गए हैं, जबकि यहां पढ़ने वाले मेडिकल छात्र छात्राओं के लिए 1626 की क्षमता वाला छात्रावास भी बनाया जाएगा। 550 नर्सों के लिए छात्रावास के साथ साथ 360 स्टूडियो अपार्टमेंट भी बनाए जाएंगे। 715 क्षमता की धर्मशाला और 1500 क्षमता वाला ऑडिटोरियम भी नए प्रोजेक्ट में शामिल है। भवन के पास पार्किंग की कुल क्षमता 3334 वाहनों की होगी। यह पूरा स्ट्रक्चर भूकंप रोधी होगा। पीएमसीएच के नए भवन का एरिया 78 लाख वर्ग फीट में होगा। इसके ऊपर हेलीपैड का निर्माण कराया जाएगा, जिसके जरिए एयर एम्बुलेंस यहाँ लैंड कर पाएंगे। अस्पताल में 487 बेड के इमरजेंसी यूनिट के साथ साथ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी बनाए जाएंगे।